हर कोई घर बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो मैंने सोचा एक दिन क्यों ना मैं अपना कबर्ड ही ठीक कर लूं, मम्मा खुश हो जाएगी। जब मैंने अपना कबर्ड खोला तो मैंने देखा कि वो कितना फुल है, लेकिन फिर भी मेरे पास पहनने के लिए कोई आउटफिट नहीं है। हर वुमेन की यही प्रॉब्लम है, जितने कपड़े उतने काम। हर किसी को हर एक ओकेजन के लिए न्यू आउटफिट एंड न्यू लुक चाहिए होता है। तभी मैंने सोचा क्यों ना कोई ऐसा प्रोडक्ट होता जिससे हम मल्टीपल आउटफिट्स एंड लुक्स बना पाते। तब मैंने लॉन्च किया हार्ट अप माई स्लीव्स। ये एक अनोखा ब्रांड है जहाँ हम डिटैचेबल स्टेटमेंट स्लीव्स बनाते हैं। ये स्टेटमेंट स्लीव्स काफी यूनिक है, रीयूजेबल है, सस्टेनेबल है, एंड आप एक ही स्टाइल की स्लीव्स को डिफरेंट वेज में भी स्टाइल कर सकते हैं। एंड हमारी स्लीव्स सेलिब्रिटीज लाइक हंसिका मोटवानी एंड नेहा कक्कड़ ने भी पहनी है। तो आज मैं अपनी कंपनी की 10% इक्विटी के बदले 25 लाख की मांग करने आई। सो विनीता, इफ वी वर अप सपोज टू गो ऑन अ लंच, तो मेरा आउटफिट ये होता। आपको क्या लगता है ये कैसा लग रहा है? फैबुलस। एंड अनुपम, अगर हम डिनर पे जाते टू डिस्कस बिजनेस, तो मेरा आउटफिट ये होता। मेरी पत्नी बहुत मारती मुझे, लेकिन आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। What do you think, Sharks? Do you want to invest in heart up my sleeves? Ria, you get the award for the most stylish presenter. So Ria, firstly I have to say you look stunning. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उस amazing black dress पे कोई दो white sleeves लगा के इतना exotic look create कर सकता है। कहाँ आपने पिक किया ऐसा सेंस ऑफ स्टाइलिंग? मैं एक्चुअली फैशन बैकग्राउंड से आती हूँ। मेरी फैमिली जो है, मेरे डैड वो होलसेल ऑफ गारमेंट्स करते हैं इंडियन वेयर। इनिशियली सिर्फ 10,000 इन्वेस्ट करके मैंने ये सैंपल्स बनाना स्टार्ट किया, एंड मुझे नहीं पता था कि इसका क्या रिस्पॉन्स होगा, क्योंकि ये बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है। ये ना कि कोई मार्केट में है, मेरा कोई कंपेटिटर नहीं है अभी। तो मैंने पोस्ट करना स्टार्ट किया इंस्टाग्राम पे, और जब मैंने रियलाइज किया कि लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है ये प्रोडक्ट, मैंने काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी उनको अपना प्रोडक्ट दिया है। ऐसे ही वर्ड टू वर्ड ऑर्गेनिक मार्केटिंग की वजह से हमारा ब्रांड काफ़ी फेमस हो गया, एंड अभी हमारे करंटली 11.6 फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे। 11.6K। अभी तक हमने 1003 ऑर्डर्स हमने करे हैं डिस्पैच इन 9 मंथ्स, एंड हमारी सेल्स है अभी तक 11.5 लाख। एंड आप इंस्टाग्राम शॉप से सेल करते हो कि आपका डिफरेंट वेबसाइट है जहाँ? हमारी वेबसाइट भी है, एंड हम नवंबर 2021 से नाइका फैशन पे अवेलेबल होंगे। आपने पिछले महीने क्या सेल्स किया रिया? हमारा लास्ट मंथ का सेल्स था 1.96 लाख। और 9 महीने पहले कितना किया आपने? तो जनवरी में जब हमने स्टार्ट किया तो हमारा 70,000 हमने क्लॉक किया था। और ये जो डिजाइनिंग आप करते हैं, तो ये सब हैंड स्टिच्ड है कि यू हैव अ मैन्युफैक्चरिंग प्लेस? मेरे डैड की फैक्ट्री में ही मैंने अभी दो अपने टेलर वहाँ पे बिठाए हुए हैं। इसमें ऐसी क्या यूनिक चीज है जो नॉक ऑफ नहीं कर सकते? मुझे लग रहा है कोई भी शुरू कर सकता है। अगर ये कैच ऑन कर लेती है नायका पे, नायका खुद अपना माल डाल सकती है, वो आपसे क्यों खरीदेगी? ऐसा क्या कर रही हैं? आई एम श्योर कि हमारा प्रोडक्ट कोई भी कॉपी कर सकता है, बट वी हैव अ फर्स्ट मूवर एडवांटेज। हम पहले हैं इन द बिजनेस कि हमने ये कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है, और हमने ऑलरेडी इतने इन्फ्लुएंसर्स के साथ इतनी अच्छी रिलेशनशिप्स बना चुके हैं। मैं सॉरी आपको इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, आपने बोला फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। इंडिया में फैशन में फर्स्ट मूवर एडवांटेज हो ही नहीं सकती। मनीष मल्होत्रा का लहंगा चांदनी चौक में पहले बिक रहा होता है, मनीष मल्होत्रा के यहाँ पे स्टॉक आउट होता है। हफ्ते हर महीने कोई नया कॉन्सेप्ट आता है, पहले एक जगह यूनिक लगता है, फिर सबके पास सेम हो जाता है। मेरे को लगता है आप जो कर रहे हैं वो एक लाइफस्टाइल बिजनेस है, वो एक इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, स्केलेबल बिजनेस नहीं है। तो मैं एटलीस्ट आउट होना चाहता हूँ। रिया, आप फ्यूचर क्या देख रही हैं? अभी हमने स्लीव से स्टार्ट किया है, हमने अपने न्यू ब्रोचेस भी लॉन्च करे हैं रिसेंटली, जिसका हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। आगे जाके हमने केप्स की भी डिजाइनिंग स्टार्ट करी है। किस चीज की? केप्स एंड डिटैचेबल कॉलर्स।
ये हम चीजों पे अभी फोकस करना चाहते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स। आपको कितने साल हो गए इसको स्टार्ट करने में? 1 साल। 9 months। ये जो बिजनेस है ना, इसमें मैं बस एक एडवाइस देना चाहूंगा। ये आपने जैसा अभी देखा कि हार्ट अप माय स्लीव्स, राइट, देन आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो खाली स्लीव्स बेचने से। लेकिन अब आपको इसमें अगर दूसरी चीजें भी ऐड करनी है ना, वो बड़ी टफ हो जाएंगी, क्योंकि फिर आप स्लीव्स के नाम से ही फेमस हो गए, फिर आपको बिजनेस स्लीव का बनाना पड़ेगा खाली। मतलब मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, आप सबसे पहले अपना ट्राई करो, ब्रांड को थोड़ा और ब्रॉड कर लो ताकि और चीजें फिट हो जाएं। अभी ये मेरे लिए इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है, बहुत छोटा है, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट। वुमेन इन बिजनेस, वुमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप इज समथिंग विच यू शुड कैरी फॉरवर्ड। मैं भी शार्क टैंक की जल्दी में लगाना भूल गया लिक्विड पाउडर। सॉरी शार्क्स, दिस इज वेरी एम्बैरेसिंग हमारे लिए। आई डोंट थिंक सो, ये हालत में हम आज आपके सामने प्रेजेंट कर पाएंगे। वो देख, नट फ्रेश यहीं पड़ा है। अरे ऑसम शार्क्स, अगर आप सिर्फ हमको 1 मिनट देंगे, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ क्विक स्प्रे। Women taking charge. Hi Shark, मैं हूँ अनुश्री और मैं हूँ अनन्या and we are the Malu sisters from Ahmedabad. और हम represent कर रहे हैं हमारी male intimate hygiene company Nut Job. Sharks, we Indians love cricket, right? यहाँ के लड़कों का ball tampering के साथ कुछ अलग ही नाता है। जस्ट इमेजिन अगर आप गोलगप्पे खाने गए एंड वो गोलगप्पे वाले भैया अलग ही गोलगप्पे में बिजी है। और ये सब का रूट कॉज होता है हीट, स्वेट और डेली ग्राइंड से। और इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं पाउडर, ढेर सारा पाउडर, इतना सारा पाउडर कि आपका बाथरूम स्केटिंग रिंग बन जाए। और गलती से भी आपने नीचे डिओड्रेंट लगाने की हिम्मत दिखा दी तो भाई साहब, आपकी सहायता तो सिर्फ एक फायर एक्सटिंग्विशर ही कर सकता है। That's true. जो अब तक के सबसे नेग्लेक्टेड एरिया था, मेल बिलो द वेस्ट हाइजीन कैन नॉट बी इग्नोर्ड एनी लॉन्गर। इसलिए हम लाए आपके लिए एक बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स दैट केटर टू मेल इंटीमेट हाइजीन। हर सफाई की शुरुआत होती है धुलाई से, तो हमारा प्रोडक्ट है नट वॉश, विच इज अ 4-in-1 नट बट बॉडी एंड हेयर वॉश। एक बॉटल में सारी चीजों का सोल्यूशन। लोग आर्मपिट्स में बॉडी ओडर को दूर करने के लिए रोल ऑन और डियो का इस्तेमाल करते हैं, बट उनके सबसे बदबूदार पार्ट के लिए मार्केट में कुछ भी नहीं है। हम लाए हैं नट फ्रेश, जो कि एक रिवोल्यूशनरी इंटीमेट डियो है, जो कि आपको फ्रेश एंड कूल रखता है। शार्क्स, हमारे सारे प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया है, दे फ्री फ्रॉम टैल्क, एल्यूमिनियम एंड पैराबेन। आज हम आपसे 25 लाख का इन्वेस्टमेंट मांग रहे एट 5% इक्विटी फॉर आर मेल इंटीमेट हाइजीन कंपनी नट जॉब। Sharks, while formulating this product, we made sure that it is gentle on your genitals. Welcome to Shark Tank. Thank you so much. मैं assume कर रहा हूँ आप दोनों लड़कियाँ ही हैं, तो ये problem आपको कैसे figure out हुई? तो एक भाई था या boyfriend था? हम दोनों joint family में रहते हैं, तो क्योंकि हम लोग late तो उठते थे, तो हम लोग बाथरूम भी लास्ट यूज करते थे, तो हमारे फादर्स हमसे पहले जाते थे एंड वो लोग जब बाहर आते थे तो जैसे अनुश्री ने आपको बताया स्केटिंग रिंक बन जाता था। कितनी बार हम लोग गिरे हैं, तो सच में? हाँ सच में, सो मच पाउडर। एक दो दिन ठीक था, बट देन उसके बाद हमने ये इशू रेज किया उनको कि क्यों इतना ज्यादा पाउडर यूज कर रहे हो, तो उन लोग ने पहले तो बोला तुम लोग नहीं समझोगे, तुम लोग लड़कियां हो। बार बार पूछने के बाद उन्होंने बताया कि पाउडर समर टाइम पे नीचे बहुत स्वेट होता है, सो टू कीप अस ड्राई थ्रू आउट। तो आपके पापा को पता, आप उनको एक्सपोज कर रहे हो टीवी पे? बिल्कुल, उन्होंने हमको पुश किया कि जाओ ये प्रोडक्ट बेचो। आप प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं? बिल्कुल, इट्स अ रूटीन। तो आप स्टार्ट करते हैं वॉशिंग से, देन आप मॉइस्चराइज करते हैं, देन डिओड्राइज करते हैं। आपकी पैकेजिंग भी बहुत रॉ है। तो अभी तक आपने कितना मैन्युफैक्चर किया है, कुछ सेल की है इसकी? टेस्ट करने के लिए मार्केट हमने काफी कम प्रोडक्ट्स बनवाए, 500 ऑफ ईच, सो इट इज 1500 यूनिट्स, एंड हमने अभी तक के 500 यूनिट्स सेल किए हैं। मेन ये सेल हुआ होगा आपका ये लिक्विड पाउडर? या दैट एंड नट फ्रेश। वो हमारा शाहरुख खान है और हमारे अमिताभ बच्चन नट फ्रेश है। एंड वी हैव अ नट वॉश एज अ भाई टू सपोर्ट देम। बच्चन जी को गुस्सा बढ़ाता है।
नहीं, but I'm sure he'll also be very happy that the product is as we wanted to be as magnanimous as him. So. All right, well said, well said. Anushya और अनन्या, मैं तो बहुत curious हूँ. कोई as a woman in a country जहाँ sanitary pads भी मतलब ट्रिपल न्यूज़पेपर और फिर एक काली बैग में डाल के लड़कियां जाती है, आप में ये हिम्मत कैसे आई नेशनल टेलीविजन पे इतने डेलिकेट और टैबू टॉपिक के बारे में इतने खुलकर बात करने की? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए. मम्मियों के साथ ये प्रॉब्लम रही कि वो थोड़ा हिचकिचा रहे थे कि यानी ये प्रोडक्ट के साथ तुम दोनों लड़के एसोसिएट हो गए. शंका ये थी कि जिस तरह का प्रोडक्ट है वो एक टैबू है अपने कम्युनिटी में. सिंस ये एक मैरिजेबल एज में भी है तो मन नहीं पूरी तरह से माना. ये लड़कियां हैं और ये कैसे करेंगी? आइडिया तो अनन्या अनुश्री का था लेकिन प्रॉब्लम मेरी थी जरूर. जो हमारी रिक्वायरमेंट है आई एम श्योर सब मेल्स की रिक्वायरमेंट होगी. हमारी ये एंटरप्रेन्योर जर्नी में हमारे फादर्स ने हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है. क्या लॉन्जरी का बिजनेस, जो लेडीज लॉन्जरी का बिजनेस है वो सबसे ज्यादा मेल्स ही करते हैं. बिजनेस कोई भी है वो बिजनेस होता है. मतलब उसमें ऐसे नहीं है बिजनेस के ये लड़के लोग ही कर सकते हैं और ये बिजनेस लड़कियां ही करती हैं. शार्क टैंक इंडिया में आने का हमारा मेन मोटिव ये है कि हमें शार्क टैंक इंडिया के अलावा कोई बेटर मंच नहीं दिख रहा है कि हम इंडियन ऑडियंस को बता पाए कि मेल इंटिमेट हाइजीन कितना इम्पोर्टेंट है. मैं आपको एक तो बात कहता हूँ, दो बहनें आके यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है, बड़ा मजा आ रहा है. हमको यहाँ पर इतना सीखने को मिल रहा है शार्क्स. करेक्ट. हम ये सोच रहे थे हम लोगों को सिखाएंगे. मैं भी. लेकिन यहाँ पर मदर्स, सन्स, फादर्स, डॉटर इन लॉ, सिस्टर्स, तो मतलब भारत सच में बदल रहा है. और आपको देख के रियली काफी प्रेरणा मिल रही है. आई एम नॉट किडिंग. Tomorrow in Urdu. It means the future. So we are the future of fashion. Hamari ek premium custom streetwear brand hai jo street culture ko represent karti hai. Hum dono ne 6 mahine pehle apne is passion ko is business mein convert kiya. Hum apni city Nagpur ke pioneers hain. Hum India ki top streetwear brand banna chahte hain aur India ko global level pe represent karna chahte hain. So for us to reach our dream, we are all asking for just 30 lakhs for 10% of stake in our company. Well done, great presentation yaar, maza aa gaya. Thank you so much. Sanskar, yahan jo aapke products hai, is ye hand painted hai most of these? Yeah. To aapka USP kya hai, matlab unique selling proposition? Pehla point, hum customization karte hai. A customer will come to me to wo mujhe batayenge mujhe is tarike ka kuch chahiye jo mere kapdon pe reflect kare. Aap ye outfit dekh rahe hain? ये शार्क टैंक को सोच के बनाया गया है. See, there's this shark, जो एंड ये फिश नेट है जो शार्क चीर फाड़ के बाहर निकलना चाहती है बट ये नहीं निकल पाती है. एंड देन ये एक शार्क है वो पैसों के बैग के साथ डील क्लोज कर लेता है. तो ये सोच के हमने ये आउटफिट को डिजाइन किया है. एंड सेकंड, ये कस्टमाइजेशन सब कोई करा नहीं सकता बिकॉज हर किसी की पर्सनल चॉइस है. हम ऐसे क्रिएटिव डिजाइन भी बनाते हैं जो एक बड़ी ऑडियंस को वो करे. जैसे मैंने जो पहना है, जो संस्कार ने पहना है, ये एक क्रिएटिव डिजाइन है जो ज्यादा मास प्रोडक्शन में बना सकते हैं. ये हमारी हाफ एंड हाफ टी शर्ट है जो हमने अभी लॉन्च किया है. बट स्ट्रीटवेयर फैशन ये मास बन सकती है या अभी भी नीश है? नहीं, ये बिल्कुल भी नीश मार्केट नहीं है. हमारे पास बड़े से लेकर बच्चों तक सब लोग हमसे परचेज करते हैं. कहाँ से बनवाते हो ये? नागपुर से, हमारी सिटी से. बेचते कहाँ? इंस्टाग्राम पे हमारी मेजर सोशल प्रेजेंस है क्योंकि जेन जी जो है वो इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा एक्टिव है आज की डेट में, जिसके थ्रू हम पैन इंडिया डिलीवर करते हैं. कितना सेल्स हुआ अभी तक? सेल्स 1.3 लाख. तो देखा जाए तो ये पूरी सेल जो हमने किया है ये सिर्फ और सिर्फ 4 महीने में हुई है. बुरा मत मानिए बट 1.25 लाख की सेल में तो आपको अपॉर्चुनिटी ही कहाँ मिला ब्रांडिंग करने का? भी तो अभी तो ब्रांड आपके दिमाग में है, सामने कस्टमर के लिए तो नहीं है.
हमें प्रूफ करने का मौका नहीं मिला कोविड के कारण, हमें अप्रूव करने का सिर्फ पहली बार मौका मिला जो यहाँ से सिर्फ 14 दिन पहले था। हम पहली बार कस्टमर्स के सामने गए फिजिकली एंड हमने 40,000 इन सेल्स किया। 40,000 इन सेल कोई बड़ी चीज नहीं है, ये अर्ली स्टेज पे थोड़ा। आपने इनका जवाब इस तरह से देना चाहिए कि सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर है कस्टमाइजेशन। जो बड़ी चीज है आजकल बच्चों को चाहिए पर्सनलाइज्ड चीज। सर फैशन रस्ट में बहुत ज्यादा वेस्ट मटेरियल होता है, जो वो जैकेट आप देख रहे हैं वो पूरा सस्टेनेबल फैशन से बना है, सस्टेनेबल फैशन से बना है। एंड वो जो जीन्स है वो एक ट्राइबल आर्ट से बनी है जो इंडियन फ्यूजन है, उसमें रनिंग स्टिच है जो एक इंडिया का आर्ट है, जो पेसली है वो इंडिया का आर्ट है। वो हम वो सब उसमें इंक्लूड करना चाहते हैं कि उसमें स्ट्रीट वेयर ब्रांड सारी बाहर से है जितनी भी है, बट इंडिया का कहीं पे वहाँ पे नाम नहीं है। सो इंडियन टच भी ला रहे हैं। एग्जैक्टली, निकाल के ले आओगे? डेफिनेटली। We want you to wear our clothes. Just try it on if you want. आप जरा try करके आएंगे थोड़ा सा? देख मैं मना, I think आप पे काफी suit करेगा यार। ये आपकी personality यार, मैं पहन लूँगा तो यार उल्लू लगूँगा। नहीं but ये is a customized piece. ये हमारी एक फ्रेंड के लिए बनाया गया था, उनकी जो राइफल है वो ओलंपिक्स के लिए ट्राई कर रही है, हमने एग्जैक्टली उसे हैंड पेंट किया ओलंपिक्स के लिए ट्राई कर रही है। राइफल का यहाँ एग्जैक्ट वहाँ पे उनका नाम है ताकि पर्सनलाइजेशन दिखे एंड पीछे हमारी ब्रांड का नाम है। ये पेंट उतरता तो नहीं? नहीं पेंट नहीं उतरता, देयर इज अ प्रोसेस जिसके पीछे वो जाता है। सर आप वो जैकेट भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैं जैकेट ट्राई करते हैं, चलो जैकेट ले। आर्टिस्ट ने रात भर बैठ के बनाया है, अभी वैसे भी पहन सकते हैं। डेफिनेटली वेयर इट लाइक सस्टेनेबल फैशन, यू आर रॉकिंग इट। लुक एट दिस, नाइस, सही लग रहा है आप पे, लुक्स कूल। ये पैचेस बहुत अच्छे हैं आपकी, जो आप पैचेस यूज करते हैं, वो बेस मटेरियल से बने हैं। हम जीन्स बनाते हैं उसे बेचते हैं एंड जो कपड़ा बच जाता है उससे और महंगा जीन्स बनाते हैं। ये कितने की बेचोगे? ये 2800 की बिकी है। बनाने में कितना कॉस्ट आया? बनाने में 1200। बट बहुत महंगा बना, मार्जिन भी कुछ नहीं है। मार्जिन फिर भी 150% के अराउंड है, 130%। एंड जैसे ही हम बल्क में लेंगे वो मार्जिन उसकी बढ़ जाएगी और ज्यादा। अभी मुझे लग रहा है कि ये आपकी थोड़ी हॉबी टाइप की है। मुझे अभी तक ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप इसको स्टैंडर्डाइज करके स्केल कैसे करके बिजनेस कैसे बनाएंगे, क्योंकि कस्टमाइजेशन में ज्यादा टाइम लगता है। Exactly. हम कस्टमाइजेशन का प्राइस बढ़ाएंगे एंड जो बाकी कंपीटिंग ब्रांड्स हैं उन तक लेके जाएंगे। स्केल करने के लिए हम प्रीमेड डिजाइन यूज करेंगे एंड उसको बल्क में बनाएंगे ताकि हम ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए बहुत जल्दी कम कॉस्ट में। एंड सर मेरे पास एक आर्टिस्ट की टीम है जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स साथ में बना सकते हैं। मैं सब लोगों से कांटेक्ट में हूँ बट मैं सबको अभी हायर नहीं कर सकती, मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं उस लेवल तक उस काम को बढ़ा पाऊँ। पर वो स्केलेबिलिटी के जितने भी मेजर्स हैं जो हमको लेने चाहिए, वी हैव डन ऑल ऑफ दैट। फैशन में पता है प्रॉब्लम क्या होती है? एक लेवल तक आप सस्टेन कर पाते हो, उसके बाद ना रिटर्न्स की बहुत बड़ी इशू था, आपको पता है ये बात? आई थिंक वो इसलिए होता है बिकॉज़ लोग क्रिएटिव होना भूल जाते हैं। नहीं बट आपका जो इन्वेंट्री होती है वो फंस जाती है। अमन क्या सोच रहे हो आप? क्योंकि आपको ये टारगेट मार्केट पता है ना? पता है, लेकिन मेरे को पता है फैशन में बहुत लोग कम लोगों ने पैसा बनाया है। फर्स्ट सेकंड कस्टमाइज फैशन बहुत टफ, ये ना नीश ऑडियंस होती है। मैं दो बार वो जीन्स पहनूंगा उसके बाद तीसरी बार मैं सेम जीन्स भी पहनना नहीं पसंद करता। मेरे को लगता है कि अभी आप इस इंडस्ट्री के ग्लैमर से ड्रिवन, आप बिजनेस से ड्रिवन नहीं है, तो इस कारण से मैं एटलीस्ट आउट हो रहा हूँ। ओके, वेल रिस्पेक्टेड, थैंक यू।